बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं अपने लेकिन CDA के अंदर कुछ वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं, जिनकी तफसीलात कुछ इस तरह हैं। इसकी लास्ट डेट है जो 10 अगस्त 2020 है। चलते हैं इसकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट की तरफ और देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसी हैं। काफ़ी तादाद में इसके अंदर वैकेंसी हैं। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी खाली सामिया दर्ज सामिया के लिए CDA की मंजूरशुदा रेगुलेशन पॉलिसी मौरखा 5/11/2017 के मुताबिक हर असामी के लिए सामने दर्ज मतलूबा तलीमी काबिलियत तजर्बा और उम्र की हद पर पूरा उतने वाले उम्मीदवार व मशहूर CDA मुलाजमन जो रोज़ाना उजरत DPL और कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं मुजज़ब परफॉर्मेंस पर दरख्वास्त से मतलूब हैं। सबसे पहली असामी जो हमारे पास है असिस्टेंट डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव की है BPS 17 के अंदर। 4 वैकेंसी हैं। 30/5 35 साल एज लिमिट है इसके अंदर। एज रिलैक्सेशन जो इसके अंदर शामिल है मास्टर डिग्री सेकंड क्लास हुकूमत के तहत या किसी सरकारी या निजी शोबे के मरूफ अदारे या फर्म या लोकल बॉडीज़ में मुतलका शोबे में 3 साल तजर्बा होना चाहिए आपका। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एग्जेक्टिव BPS 16 के अंदर 2 वैकेंसी हैं। 28/5 33 साल एज लिमिट है इसकी। BA BSc BCom BBA माँ हुकूमत के तहत या किसी सरकारी या निजी शोबे में मरूफ अदारे या फर्म या लोकल बॉडीज़ में मुतलका 3 साल तजर्बा होना चाहिए आपको। उसके बाद 30 नंबर पर असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर BBA 16 के अंदर 1 वैकेंसी है। 28/5 33 साल एज लिमिट है। सेकंड क्लास बैचलर डिग्री या मसावी तलीमी काबिलियत हुकूमत या किसी मरूफ सरकारी अदारे या फर्म में मकबूल अहदे पर मुतलका शोबे में 2 साल का तजर्बा होना चाहिए। इंटेलिजेंस डिवाइस में 2 साल का तजर्बा या रिटायर्ड JCO रैंक सूबेदार मेजर इसको अप्रूव किया जाएगा। उसके बाद है जी 4 नंबर पर सीनियर ऑडिटर है BBA 16 के अंदर 5 वैकेंसी हैं। 28/5 33 साल एज लिमिट है। BCom सेकंड डिवीज़न या सी ग्रेड या BSc सेकंड डिवीज़न ग्रेड सी ADE का फाउंडेशन कोर्स ICMA ICPA फाउंडेशन 1 कोर्स माँ कंप्यूटर का इलम मतल का शोबे में तजर्बे के हामिल अफराद को तरजीह दी जाएगी। उसके बाद जी 5वें नंबर पर डाटा एंट्री ऑपरेटर BPS 14 के अंदर 1 वैकेंसी है। 25/5 30 साल एज लिमिट है। इंटरमीडिएट माँ कंप्यूटर में महारत होनी चाहिए। 6 नंबर पर जी सिस्टम ऑपरेटर BPS 14 1 वैकेंसी है। 25/5 30 साल एज लिमिट है। ग्रेजुएशन माँ कंप्यूटर महारत और टाइपिंग रफ्तार 50 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। 7वें नंबर पर सब इंजीनियरिंग BPS 14 के अंदर 1 वैकेंसी है। 25/5 30 साल एज लिमिट है। मैटर माँ एसोसिएट इंजीनियर में 3 साल डिप्लोमा मुतलका शोबे में सब इंजीनियर किस शोबे में इसने कहा जी जो भी शोबा है उसमें 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल है मैकेनिकल है या कोई और दो ही हो सकते हैं, ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में होता है। इसके बाद है CCTV ऑपरेटर BPS 11 के अंदर 1 वैकेंसी 25/5 30 साल एज लिमिट। इंटरमीडिएट तलीम शुदा अदारे से कंप्यूटर डिप्लोमा कम अज़ कम 1 साल मुतलका शोबे में 6 माह का तजर्बा हो। 9वें नंबर पर जूनियर टेक्नीशियन रेडियोग्राफर है BPS 9 के अंदर 1 वैकेंसी 25/5 30 साल एज लिमिट। मैट्रिक साइंस में रेडियोग्राफी में डिप्लोमा मुतलका आला काबिलियत और मुतलका शोबे में तजर्बा के हमल अफराद को तरजीह दी जाएगी। उसके बाद 10वें नंबर पर असिस्टेंट सुपरवाइजर BPS 5 के अंदर 1 वैकेंसी है। 25/5 30 साल एज लिमिट है। मिडिल पास होना चाहिए। जनरेटर ऑपरेटर BPS 8 के अंदर 2 वैकेंसी है। 25/5 30 साल एज लिमिट है इसकी। मैट्रिक में इलेक्ट्रिकल में 1 साल सर्टिफिकेट हुकूमत या किसी सरकारी या निजी शोबे के मरूफ अदारे या फर्म में 3 साल तजर्बा होना चाहिए। 12वें नंबर पर हार्टिकल्चर सुपरवाइजर BPS 8 के अंदर 7 पोस्ट हैं इसकी। 25/5 30 साल एज लिमिट है इसकी। BFSC बाटनी के साथ मुतलका तजर्बा। उसके बाद है सेंट्रल सुपरवाइजर BPS 8 के अंदर 1 वैकेंसी है। 25/5 30 साल एज लिमिट है। इंटरमीडिएट मामा सीनियर टेंशन में डिप्लोमा सर्टिफिकेट तजर्बा काबिल तरजीह दी जाएगी। 14वें नंबर पर जी इसके अंदर है वर्क सुपरवाइजर BPS 8 के अंदर 1 वैकेंसी 25/5 30 साल एज लिमिट है। इंटरमीडिएट में सिविल इंजीनियरिंग में सर्टिफिकेट। उसके बाद 15वें नंबर इलेक्ट्रिशियन BPS 7 के अंदर 3 वैकेंसी है। 25/5 30 साल एज लिमिट है। मैट्रिक में ट्रेड टेस्ट इंक्वायरी क्लर्क BPS 7 के अंदर 2 वैकेंसी है। 25/5 30 साल एज लिमिट है। मैट्रिक टाइपिंग रफ्तार 30 अल्फाज 3 मिनट। उसके बाद फर्स्ट एड टेक्नीशियन BPS 7 के अंदर 1 वैकेंसी है। 25/5 30 साल एज लिमिट है। मैट्रिक ट्रेड टेस्ट है। उसके बाद 18वें नंबर पर LDC BPS 7 के अंदर 14 पोस्टें हैं जी। 25/5 30 साल एज लिमिट है। मैट्रिक टाइपिंग रफ्तार 30 अल्फाज 3 मिनट होनी चाहिए। उसके बाद 19वें नंबर पर मेसन है BPS 7 के अंदर 1 वैकेंसी है। 25/5 30 साल
प्राइमरी और ट्रेड टेस्ट होना चाहिए इसका भी। प्लम्बर है उसके बाद ही 20वें नंबर पे। BBS 7 में 3 वैकेंसी हैं, 25 जमा 5 30 साल ये लिमिट है। प्राइमरी बामा ट्रेड टेस्ट होगा इसका। उसके बाद 21वें नंबर पर स्टोर क्लर्क, BBS 7 के अंदर 2 वैकेंसी हैं, 25 जमा 5 30 साल एज लिमिट है। मैट्रिक टाइपिंग रफ्तार 30 अल्फाज फी मिनट होनी चाहिए। 22वें नंबर पर जी टेलीफोन ऑपरेटर, BPS 7 के अंदर एक पोस्ट है, 25 जमा 5 30 साल एज लिमिट है। मैट्रिक 5 साल तजर्बा, टेलीफोन एक्सचेंज और उम्दा टेक्निकल इलम होना चाहिए। 23वें नंबर पर वेल्डर, BPS 7 के अंदर एक वैकेंसी है, 25 जमा 5 30 साल एज लिमिट होनी चाहिए। मैट्रिक मार्क ट्रेड टेस्ट। उसके बाद चिलर ऑपरेटर, BPS 5 के अंदर 3 वैकेंसी है, 25 जमा 5 30 साल एज लिमिट। मैट्रिक साइंस दर्जन मुतलका तजर्बा होना चाहिए। सिक्योरिटी ऑफिसर सिक्योरिटी गार्ड है, BPS 5 के अंदर 99 वैकेंसी हैं जी, 35 जमा 5 40 साल एज लिमिट है। मैट्रिक में मजबूत जिसमत और मुतलका तजर्बा भी होना चाहिए। दफ्तरी उसके बाद 26वें नंबर, BPS 5 के अंदर एक वैकेंसी है, 25 जमा 5 30 साल। मैट्रिक एजुकेशन है। उसके बाद 27वें नंबर पर चाबी मैकेनिक, BPS 5 के अंदर एक वैकेंसी है, 25 जमा 5 30 साल एज लिमिट है। मिडल ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करना, ठीक है जी। उसके बाद है जी 28वें नंबर पर स्टोर मैन, BPS 5 के अंदर एक वैकेंसी है, 25 जमा 5 30 साल एज लिमिट है। मैट्रिक सेकंड डिवीजन तजर्बा काबिल को तरजीह दी जाएगी। 19वें नंबर पर स्टोर मुंशी है, BPS 5 के अंदर एक वैकेंसी है, 25 जमा 5 30 साल एज लिमिट है। मैट्रिक सेकंड डिवीजन तजर्बा काबिल तरजीह दी जाएगी। उसके बाद 30वें नंबर पर ट्रैक्टर ऑपरेटर, BPS 4 के अंदर 2 वैकेंसी है, 35 जमा 5 40 साल एज लिमिट है। मैट्रिक में ड्राइविंग लाइसेंस 5 साल मुतलका तजर्बा होना चाहिए। इसके बाद है जी 31वें नंबर पर ट्यूबल ऑपरेटर है, BPS 5 के अंदर 11 पोस्ट हैं, 25 जमा 5 30 साल एज लिमिट है। मैट्रिक में मुतलका तजर्बा होना चाहिए। 32वें नंबर पर वाइल्ड लाइफ वाचर है, BPS 5 के अंदर 2 वैकेंसी हैं, 25 जमा 5 30 साल एज लिमिट। मैट्रिक साइंस होना चाहिए। 33वें नंबर पर LTV ड्राइवर, BPS 4 के अंदर एक वैकेंसी है, 35 जमा 5 40 साल एज लिमिट है। मैट्रिक माँ LTV ड्राइविंग लाइसेंस माँ 4 साल तजर्बा। 34वें नंबर पर मौजन, BPS 4 के अंदर एक पोस्ट है, 25 जमा 5 30 साल एज लिमिट है। हाफ़िज़ कुरान तर्जन मतलूबा मजहबी इलम का हामिल हो। 35वें नंबर पर मसालची, BPS 2 के अंदर 2 वैकेंसियाँ हैं इसकी, 35 जमा 5 40 साल एज लिमिट है। प्राइमरी पास माँ मतलका शोबे में तजर्बा। 36वें नंबर पर वार्ड बॉय, BPS 2 के अंदर 8 वैकेंसी हैं, 25 जमा 5 30 साल एज लिमिट है इसकी भी। मिडल पास और मुतलका तजर्बा होना चाहिए। 37वें नंबर पे अटेंडेड है जी एक, BPS 1 के अंदर 4 पोस्ट हैं, 25 जमा 5 30 साल एज लिमिट है। मिडल तरजीहन मुतलका तजर्बा होना चाहिए। आया BPS 1 के अंदर 3 वैकेंसी हैं, 25 जमा 5 30 साल एज लिमिट। प्राइमरी पास होना चाहिए। 39वें नंबर पे है जी बेलदार, बेलदार के लिए BPS 1 है, 4 पोस्ट हैं, 35 जमा 5 40 साल एज लिमिट है। प्राइमरी में मजबूत सहमत होनी चाहिए। 40वें नंबर पे बुश करपरेटर है जी, BPS 1 के अंदर 3 पोस्ट हैं, 25 जमा 5 30 तरजीहन प्राइमरी। 41वें नंबर पे खाकरू, एक BPS 1 के अंदर 25 वैकेंसी हैं, 35 जमा 5 40 ये खवानदा, ठीक है। इसका मतलब है कि थोड़ा बहुत पढ़ना जानता है, यानी अनपढ़ को भी ले लेते हैं ये, उसने खाक रूप का काम करना है। उसके बाद 42वें नंबर पे बर्ची, BPS 1 के अंदर एक पोस्ट है, 35 जमा 5 40 साल एज लिमिट है। खुवानदा बर्ची क्लास 3 का ट्रेड टेस्ट पास करना है, हॉस्टल होटल या गेस्ट हाउस के शोबे में 2 साल तजर्बा लाजमी है। 43वें नंबर पे फराश, BPS 1 के अंदर एक पोस्ट है, 25 जमा 5 30 साल एज लिमिट है। खुवानदा तर्जीन मिडल है। 44वें नंबर पे हेल्पर, BPS 1 के अंदर 12 पोस्ट है, 35 जमा 5 40 साल एज लिमिट है। प्राइमरी माँ मजबूत सामत होनी चाहिए। 45वें नंबर पर लेबर, BPS 1 के अंदर 9 वैकेंसी हैं, 35 जमा 5 40 साल एज लिमिट होनी चाहिए। खुवानदा माँ 5 साल का तजर्बा बतौर मजदूर। माली OGM, BPS 1 के अंदर 328 वैकेंसी हैं, 25 जमा 5 30 साल एज लिमिट है। खुवानदा तरजीह प्राइमरी होनी चाहिए। उसके बाद नायब कासिब, BPS 1 के अंदर 17 पोस्ट हैं, 35 जमा 5 40 साल एज लिमिट है। मिडल पास होना चाहिए। OT अटेंडेड है, उसके बाद एक वैकेंसी है, BPS 1 के अंदर ही 25 जमा 5 30 साल एज लिमिट है। मिडल पास तरजीहन मुतलका तजर्बा होना चाहिए। उसके बाद 49वें नंबर रूम अटेंडेड, एक BPS 1 के अंदर 2 वैकेंसी हैं, 25 जमा 5 30 साल
मिडिल पास होना चाहिए, उसके बाद 50वें नंबर पर सेंट्री वर्कर BBS 1 के अंदर 65 वैकेंसी हैं, 35.5 40 साल एज लिमिट, ख्वादा तरजीहन प्राइमरी होगा, 51वां नंबर है जी स्ट्रीट परफॉर्मर BBS 1 के अंदर 7 वैकेंसी हैं, 25.5 30 ख्वादा तरजीहन प्राइमरी। उसके बाद है जी टोटल वैकेंसी हैं जो 670 है, ये नीचे हदायत आ जाती है। CDA का रोज़ाना उजरत DPL कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की सूरत में CDA 21/6/2018 या उसको कवर रोज़ाना उजरत DPLO कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर काम करने वाले तमाम अफसरान अहलकार इस असामी पर दरख्वास्त देने के अहल हैं जिस पर वो इस वक्त फायज़ हैं। इन का मामला इस्टेबलिशमेंट डिवीज़न हुकूमत पाकिस्तान OM नंबर ये F53/1/2008 मौरखा 11/5/2017 मंजूर करदा SCDA बजरिया HRD CDA नोटिफिकेशन मौरखा 17/10/2017 के मुताबिक निपटाया जाएगा। तमाम तलीमी सनात की मसदगा नकूल डोमिसल CNIC मुलाजमत हाजिरी के सबूत के हमरा दरख्वास्त से मतलब डायरेक्टर के दफ्तर में इश्तहार आजा के अखबार में इश्तहार के 15 दिन के अंदर अंदर जमा करवानी होगी। मुतलका डायरेक्टर ये दरख्वास्त मामन शुमार नंबर 2 में दर्ज ज़ैल दस्तावेजात इनकी मसूली आखिरी तारीख के 3 दिन के अंदर डायरेक्टर HRD को जमा करवाएं। सर्टिफिकेट के ये मुलाजिम मुकर्रर तारीख यानी 21/6/2018 को या इससे कबल CDA अमला में शामिल किया गया था। इश्तहार आज़म में मुकर्रर तारीख तक दरख्वास्त जमा कराने की सूरत में रोज़ाना उजरत DPL कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन की बुनियाद पर रेगुलर असामी पर तकर्री का हक ख़त्म हो जाएगा। आम शहरियों की सूरत में खवातीन मजदूर अकलीती और CDA मुलाजमीन के बेटे का कोटा के पास तारी हुकूमत अथार्टी की हदायत के मुताबिक की जाएगी। उम्र की भलाई हद में रवायत मुवज्जा कवायद के मुताबिक दी जाएगी। टेस्ट इंटरव्यू के लिए कोई TADA नहीं दिया जाएगा। हुकूमती सरकारी शोबे के महकमों अदारों में काम करने वाले उम्मीदवार को ऑनलाइन दरख्वास्त से दी तहम टेस्ट इंटरव्यू के वक्त इन्हें NOC फराहम करना होगा। सिर्फ अहल उम्मीदवारों को SMS के जरिए टेस्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, लिहाजा जो मोबाइल नंबर काम कर रहा हो वही दरख्वास्त फार्म में दर्ज किया गया था। हम CDA किसी भी बुना पर SMS की अदम वसूली की जिम्मेदार नहीं होगी। इसमें आप ये काम करेंगे जो आपने मोबाइल नंबर देना है वो आपका किसी दूसरे नेटवर्क पर कन्वर्ट ना हो, आपने वो नंबर देना है। जो कन्वर्ट नंबर होता है ज़्यादातर उसमें यह होता है कि मैसेज नहीं जाता। ज़्यादातर जो इदारे अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं वो तो अंदर लिख देते हैं आपका जो नंबर है वो कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। अक्सरियत NTS भी लिखता है, कई इदारे लिख देते हैं, तो आप नंबर ऐसा दिया करें जो कन्वर्टेबल ना हो। उसके बाद है दरख्वास्त ऑनलाइन CDA की वेबसाइट www.cda.gov.in के ज़रिए अखबार में इश्तहार के सामने के 15 दिन के अंदर जमा करवाई जा सकती है। बरह रास्त दरख्वास्त ज़रिए गौर लाई जाएंगी। CDA को बिला अज़हार बावजह कोई दरख्वास्त कबूल या मुस्तर या भर्ती का कार्रवाई मनसूख करने और किसी एक या तमाम असामियों में कमी पेशी या मुकम्मल खात्मे का अख्तियार है। किसी भी वजाहत के लिए नीचे फ़ोन नंबर दे दिएगा 0519252995। आसफ अली खान डिप्टी डायरेक्टर 3 HRD CDA। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर जो लास्ट है वो 10 अगस्त 2020 है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो को इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर इस तरह की लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।